हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से मैं एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ आपके लिए। देखिए फ्रेंड, एक ब्यूटीफुल सही आप लेडीज जेंट्स बच्चों के स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, सब में बनके बहुत अच्छा लगता है। एकदम इजी डिज़ाइन है फ्रेंड्स। इसको बनाने के लिए आपको 7x7 के मल्टीपल में फंदे चाहिए और एकदम सही आ गया आपको डिज़ाइन। अब मैं आपको ये डिज़ाइन बना के देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने थोड़े से फंदे ले रखे हैं। अब मैं आपको ये डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ। पहला फंदा हम उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ से दो फंदे उल्टे बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के बाद आप इसको शुरू कर सकते हैं। मैंने दो फंदे उल्टे बना दिए। धागा इस तरह लेंगे, ये जाली डाल रहे हैं हम। देखिए इस तरह जाली डालना है, उल्टे फंदे के साथ जाली डालनी है। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर ये तीन फंदों का एक करना है हमको। देखिए ये तीन फंदों का एक कर दिया, ये तीन फंदों का एक हो गया। फिर से एक फंदा उल्टा, फिर जाली डालेंगे, फिर यहाँ से एक और ये दो, ये दो फंदे उल्टे बना दिए। यहाँ तक फ्रेंड्स हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। देखिए ये फंदा इस तरह है, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदे हो गए। अब यहाँ से फिर से जाली डालेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, सेम रिपीट जैसे यहाँ से किया था। फिर तीन फंदों का एक करेंगे, ये तीन फंदों का एक कर दिया, फिर जाली डालेंगे, फिर एक फंदा, सॉरी फ्रेंड्स जाली नहीं डालेंगे, पहले यहाँ पे एक फंदा उल्टा बनाएंगे, उसके बाद जाली डालेंगे, इसके बाद यहाँ पे फिर जाली डालेंगे, यहाँ से फिर दो फंदे उल्टे बनाएंगे जाली डालते हुए, फिर जाली डालेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर तीन फंदों का एक करेंगे, ये तीन फंदों का एक हो गया। फिर से एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा हो गया। अब यहाँ से जाली डालेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे, ये दो फंदे उल्टे हो गए। अब जाली डालेंगे, एक फंदा उल्टा, एक जाली हम ये जब दो फंदे उल्टे बनाएंगे तब बुनेंगे एक जाली यहाँ पे। जब हम तीन का एक करेंगे उससे पहले वाले जो सिंगल फंदा बुनेंगे उसके साथ जाली डालेंगे। देखिए ये एक हो गया, यहाँ से फिर एक फंदा उल्टा, फिर ये जाली डालते हुए दो फंदे उल्टे बना देंगे, यहाँ से ये दो फंदे उल्टे हो गए। लास्ट में दो फंदे उल्टे और एक फंदा मैं सीधा बना दूंगी। यहाँ तक हमारा ये डिज़ाइन पूरा हो गया। अब ये इस तरह हमारी ये पहली सिलाई कंप्लीट होगी। अब इसकी ये सेकंड रो है बैक साइड से, ये सेकंड रो है फ्रेंड्स बैक साइड से। अब देखिए पहला फंदा हम उतार लेंगे, ये जो दो फंदे हमने उल्टे बनाए थे बैक से इनको सीधा बनाएंगे। ये दो फंदे तो सीधा बनाएंगे और ये जाली से बड़ा हुआ फंदा उल्टा बनाएंगे, और फिर ये दो फंदे सीधे, और फिर ये दो फ्रेंड्स इसमें तीन फंदे यहाँ पे सीधे आ जाएंगे बीच में, यहाँ पे हमने तीन का एक किया था। ये जाली से बड़ा हुआ फंदा एक उल्टा आएगा, फिर ये तीन सीधे, दो सीधे, एक बार हमारे तीन सीधे आएंगे, एक बार दो सीधे, फिर ये एक उल्टा आ गया। अब इस बार तीन सीधे आ जाएंगे, एक और ये दो और ये तीन, तीन सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ, जाली वाला फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे और फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक और ये दो, दो फंदे तीन, तीन फंदे सीधे, ये चार हो गया जाली वाला, और ये दो फंदे पाँच और ये छः और ये सात। फिर इस 7x7 के मल्टीपल में आपको फंदे चाहिए इस डिजाइन को बनाने के लिए। अब देखिए ये फंदा उल्टा, फिर ये लास्ट के दो फंदे हम सीधे बनाएंगे और ये एक फंदा उल्टा। इस तरह हमारी ये सेकेंड रो भी कंप्लीट होगी। फ्रेंड ये तीसरी सिलाई है हमारी सीधी साइड से, इसमें मैंने टोटल 32 फंदे ले रखे हैं। अब मैं देखिए तीसरी सिलाई हम किस तरह बनाएंगे। ये पहला फंदा उतार लेंगे, दो फंदे तो हमने उल्टे ही बनाने हैं, एक और ये दो। अब देखिए जिस जो हमने जाली से बनाया था पहले फंदे, इसमें जाली डालेंगे। देखिए फ्रेंड ये उल्टा फंदा बना दिया मैंने जाली डालते हुए, जो जैसे हमने पहले बनाया था एक फंदा उल्टा। अब फिर ये तीन फंदों का एक करना है, ये तीन फंदे वही हैं पहले जिसमें हमने तीन का एक किया था, वो बीच वाला फंदा, दो फंदे एक इस साइड एक इस साइड हमने उल्टा फंदा छोड़ा था, तो वही सेम ही रिपीट हो रहा है। ये दो को तीन का एक कर दिया, फिर यहाँ फिर से हमने जो जाली से बड़ा हुआ फंदा था ये उल्टा बना देना है, तो हमारी फिर से ये दो उल्टे हुए। अब यहाँ जाली डालते हुए पहले दो फंदे उल्टे बनाएंगे हम, जैसे पहले सेम किया था। अब फिर इस साइड
जाली डालेंगे और ये फिर तीन का एक करेंगे। ये फंदा उल्टा हो गया हमारा और यहाँ पे तीन का एक हो गया। अब ये फंदा हम उल्टा बनाएंगे, ये उल्टा हो गया और फिर जाली डालेंगे यहाँ पे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे। ये दो फंदे हो गए उल्टे जाली डालते हुए, फिर से जाली डालते हुए एक फंदा उल्टा बनाएंगे और फिर तीन का एक करेंगे यहाँ पे। ये तीन का एक हो गया। अब एक फंदा ये उल्टा बना लेंगे, जो जाली से पहले बड़ा हुआ फंदा था उसको उल्टा बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे दो फंदे उल्टे, फिर जाली डालेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे और फिर तीन फंदों का एक कर देना है। सेम रिपीट हो रहा है, तीन फंदों का एक, एक फंदा उल्टा और फिर यहाँ से ये दो फंदे लास्ट में उल्टे ही बना देना है और ये एक फंदा सीधा। इस तरह हमारी ये थर्ड रो भी कंप्लीट होगी या फोर्थ रो है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये दो फंदे तो हमारे सीधे दिख रहे हैं तो इनको मैं सीधा ही बनाऊंगी और ये हम उल्टा बनाएंगे। देखिए एक और ये दो, तीन और ये चार। जो हम ये वाला डिज़ाइन बना रहे हैं जो जाली वाला, इसको हम पूरा ही उल्टा ही बनाएंगे और ये दो फंदे सीधे बनाएंगे। जो सीधे दिख रहे हैं उनको सीधा बनाएंगे, बाकी सारे फंदे उल्टे, दो दो सीधे आएंगे, एक दो तीन चार और ये पांच फंदे उल्टे, दो सीधे और पांच उल्टे आएंगे। ये छः छः सात फंदे होंगे हमारे, पाँच उल्टे और दो सीधे। फिर से सेम रिपीट, एक दो तीन चार पाँच, पाँच उल्टे हो गए, दो फंदे सीधे। जो हमने पहले सीधे बनाए थे वो सीधे ही रहेंगे, ये गैप के फंदे हैं और ये बाकी। इसी तरह सेम रिपीट करते हुए ये पाँच फंदे मैं उल्टा बनाऊंगी, ये लास्ट में दो फंदे सीधे मैं बना लेती हूँ फिर दिखा। देखिए फ्रेंड, इस तरह हमारी ये चार सिलाई कम्प्लीट होगी। ये पाँचवीं सिलाई है सीधी सिलाई से। ये दो फंदे तो फिर सेम ही करने हैं, ये हर बार की तरह ये लास्ट के दो उल्टे ही आएंगे। अब देखिए ये वाले, ये तीन का एक होगा इस तरह, यहाँ पे जाली डालेंगे, ये दो फंदे एक फंदा उल्टा और ये तीन फंदों का एक कर देंगे यहाँ पे। ये तीन फंदों का एक हो गया और एक फंदा उल्टा। ये जहाँ पे तीन का एक करें उसके दोनों साइड एक एक फंदा उल्टा रहना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर फिर जाली डालेंगे और दो फंदे सीधे। सिंपल डिजाइन है फ्रेंड्स, बहुत ईजी है, आपको एक बार समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये फंदा हमने उल्टा बना लिया और यहाँ पे फिर सेम रिपीट, तीन का एक कर दिया, एक फंदा फिर उल्टा बनाएंगे हम। ये दो तीन उल्टे हो गए, एक इस साइड एक इस साइड। अब फिर जाली डालेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर से जाली डालेंगे एक फंदा उल्टा और फिर से तीन फंदों का एक, फिर एक फंदा उल्टा, फिर जाली डाली दो फंदे उल्टे बनाने, फिर जाली डालना है यहाँ से तीन फंदे उल्टे, सेम रिपीट होगा उसी तरह। फिर यहाँ पे एक फंदा पहले उल्टा बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे और लास्ट में दो फंदे उल्टे और ये लास्ट का फंदा एक सीधा ही बनाएंगे। इस तरह हमारी ये पांचवी सिलाई कंप्लीट होगी। सिक्स रो है बैक साइड से। जो फंदा जैसे दिख रहा है दो सीधे दिख रहे हैं, सीधे बनाने हैं, बाकी पांच फंदे हम उल्टे बना लेंगे। इसी तरह मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ सीधी सिलाई। देखिए फ्रेंड्स, ये अब मैंने इसी तरह देखे, एक दो तीन और ये चौथी जाली। आगे हमारी यहाँ से तो दो फंदे उल्टे ही बनाने हमको। यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और फिर से सेम का रिपीट करेंगे, ये तीन का एक कर देंगे, तीन का एक करके एक फंदा उल्टा, ये एक फंदा उल्टा हो गया। यहाँ से जाली डालेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे हम, फिर जाली डालेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे और तीन फंदों का एक करेंगे। यही आपको बार बार रिपीट करते जाना है। फिर एक फंदा उल्टा, फिर जाली डालते हुए
दो फंदे उल्टे बनाने हैं, फिर जाली डालनी है, फिर यहाँ से एक फंदा उल्टा बनाएंगे पहले, फिर तीन का एक कर देंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर जाली डालते हुए दो फंदे उल्टे, दो फंदे उल्टे हो गए, जाली डालेंगे और यहाँ से फिर एक फंदा उल्टा बन दिया, अब तीन फंदों का एक करना है, फिर एक फंदा उल्टा करना हमको वही है फ्रेंड्स, हर बार सेम ही करना है। जहाँ पे तीन का एक कर रहे हैं उसके दोनों साइड एक 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 फंदा उल्टा हर बार आना चाहिए हमारा, तीन फंदे यहाँ पे बच जाने चाहिए, तीन फंदे का एक करें तो तीन फंदे यहाँ पे फिर से होने चाहिए, नहीं तो, और ये जाली बनाने का भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो फंदे कम हो जाएंगे हमारे। बाकी कुछ नहीं है, बहुत ईजी डिज़ाइन है इस तरह हमारी, इसमें एक एक दो तीन और ये चार जाली आ गई, एक दो तीन चार जाली आ गई, और ये सेवंथ रो है, ये एट्थ रो है। अब मैं इसको जो जैसे दिख रहा है वैसे बना लूँगी, दो फंदे सीधे दिख रहे हैं सीधे, और ये पांच फंदे उल्टे, दो सीधे पांच उल्टे करके पूरी बैक सिलाई बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स हमारी इसमें चार जाली आ गई है, देखिए ये दो तीन चार और ये पांचवी आ जाएगी, तो एट्थ रो कम्प्लीट होगी, नाइन्थ रो है हमारी। ये दो फंदे तो हमारे हर बार की तरह उल्टा ही बनाएंगे, और यहाँ पर जाली डालते हुए एक फंदा उल्टा बनाएंगे, सेम रिपीट करना है, तीन फंदों का एक करना है और एक फंदा उल्टा बनाना है। ये तीन फंदे हो गए यहाँ पे, अब यहाँ पे जाली डालते हुए दो फंदे उल्टे, ये दो फंदे उल्टे हो गए, फिर से जाली डालेंगे और ये एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर यहाँ पे फिर से सेम रिपीट, तीन का एक कर देना है, तीन का एक किया, फिर एक फंदा उल्टा बनाया, जाली डालते हुए दो फंदे उल्टे बना देंगे, एक और ये दो, फिर यहाँ पर फिर से जाली डालेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और ये तीन फंदों का एक कर देंगे, सॉरी यहाँ पे एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। फ्रेंड्स बहुत ईजी डिजाइन है, आप लेडीज जेंट्स जेंट्स स्वेटर बच्चों के स्वेटर किसी प्रोजेक्ट में डालिए, सब में बनके बहुत अच्छा लगता है, लेडीज कार्डिगन में डालिए। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। यहाँ पर फिर से हमने तीन का एक करना है, मैं इसी तरह आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहती हूँ। दो का एक कर देंगे यहाँ पे, सॉरी दो फंदे उल्टे बना देंगे और ये लास्ट का एक फंदा सीधा बना देंगे, इस तरह हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट होगी। अब बैक सिलाई है, टेंथ रो है, जो दो फंदे सीधे दिख रहे हैं सीधे, बाकी जो ये पांच उल्टे हैं उल्टे बना के मैं सीधी सिलाई में दिखाती हूँ। फ्रेंड इसमें दस सिलाई कम्प्लीट होगी, पाँच जाली आ गई, देखिए एक दो तीन चार और ये पाँच, पाँच जाली आ गई। अब मैं यहाँ से हमारा डिज़ाइन चेंज करूँगी, इतना मैंने बना लिया, मैं इतना ही बना रखा है इसमें, अगर आप इसको और बड़ा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं तो इतने यहाँ से फिर हमारा डिज़ाइन चेंज हो गई है। ये दो फंदे तो उल्टे ही रहेंगे जो ये गैप के हैं, और ये बीच में जो हमने देखिए एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे हम सीधे बना देंगे। अब ये पांच फंदे सीधे हो गए और दो फंदे उल्टे, फिर पांच फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे, इसी तरह हमारी ये सिलाई आएगी। ये जो ये वाले जाली जिसमें डाल रहे थे वो फंदे हम उल्टा ही बनाएंगे और दो फंदे, ये पांच फंदे सीधे आ जाएंगे, फिर दो फंदे उल्टे पांच फंदे सीधे, सॉरी फ्रेंड यहाँ पे ये पांच फंदे सीधे आएंगे, जो हमने जहाँ पे डाली डाले थे दो फंदे उनको ही हमने उल्टा बनाने, बाकी सारे फंदे सीधे ही आएंगे, लास्ट में दो फंदे सीधे जो बैक से हम सीधा बना रहे हैं उनको उल्टा ही यहाँ से उल्टा बनाएंगे, बाकी सारे फंदे हमारे सीधे। अब ये बैक सिलाई है, अब ये दो फंदे तो हमारे सीधे दिख रहे हैं सीधे ही बनेंगे, और फिर यहाँ से देखिए एक दो तीन चार पाँच, ये पांच उल्टे दो सीधे, इसी तरह पूरी सिलाई बना लेंगे। फ्रेंड्स इस तरह ट्वेल्व रो हमारी कंप्लीट होगी, ये थर्टीन रो है, दो फंदे तो हमारे उल्टे ही आएंगे और बाकी ये पांच फंदे सीधे, सेम रिपीट जैसी पहली सिलाई बनाई थी उसी तरह हमारी ये दूसरी सिलाई भी बनेगी। अब ये दो तो उल्टे ही दिख रहे हैं बीच में, ये उल्टे ही बनेंगे और ये सीधे दिख रहे हैं, पांच सिलाई पांच फंदे सीधे,
पांच सीधे हो गए हमारे और ये दो उल्टे। इसी तरह मैं इसको बना लेती हूँ, ये पांच सीधे दिख रहे हैं, ये दो उल्टे, और बैक से जो फ्रेंड्स जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाना है। फिर सीधी सिलाई में फिर से हमारा दोबारा रिपीट होगा। ठीक है फ्रेंड, इस तरह हमने मैंने ये ऊपर चार सिलाई ये सीधी सीधी वाली निकाली, ये बीच में दो उल्टे निकाले, बाकी चार सिलाई दो उल्टी दो सीधी ये निकाल दिए हैं। दस सिलाई तो हमारा ये वाला नीचे वाला डिज़ाइन है और चार सिलाई, टोटल 14 रो का डिज़ाइन हो गया। अब हमारा ये डिज़ाइन यही वाला डिज़ाइन फिर से दोबारा से डलेगा फ्रेंड्स। देखिए बहुत ईजी डिज़ाइन है फ्रेंड्स, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, सिंपल सा है ये। दो दो फंदे उल्टे, अब देखिए यहाँ से जाली डालेंगे और यहाँ से एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, और यही वाला डिज़ाइन ये तीन का एक जो हमने शुरू में किया था, शुरू में जब जैसे हमने डाला था दोबारा वही रिपीट हो रहा है। देखिए तीन फंदों का एक करना है, तीन फंदों का एक कर दिया, फिर एक फंदा उल्टा, ये तीन से तीन हो गए यहाँ पे। अब ये देखिए जो दो ये वाला बनाया था हमने जाली डाली वाली, अब यहाँ पे जाली डालेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर से यहाँ से एक फंदा उल्टा बनाएंगे, और फिर से तीन फंदों का एक करेंगे। ये दोबारा रिपीट हो गया डिज़ाइन, तीन का एक हो गया, फिर एक फंदा उल्टा, फिर जाली डालेंगे, फिर दो फंदे उल्टे, फिर जाली डालेंगे, एक फंदा उल्टा, और ये फिर से तीन फंदों का एक कर देना है, फिर एक फंदा उल्टा, फिर जाली डालेंगे, दो फंदे उल्टे बनाने, दो फंदे उल्टे हो गए, फिर जाली डालते हुए यहाँ से एक फंदा उल्टा बनाएंगे पहले, फिर तीन फंदों का एक कर देंगे, तीन फंदों का एक हो गया, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे और लास्ट के ये दो फंदे उल्टे। इस तरह हमारे ये दोबारा से फिर से डल गया डिज़ाइन फ्रेंड्स। अब ये देखिए बैक सिलाई है, सेकंड रो दोबारा डिज़ाइन डाली, तो उसके बाद सेकंड रो है। ये दो फंदे तो सीधे ही गए हैं, ये हर बार हमारे पूरी डिज़ाइन में सीधे सीधे ही जाएंगे, कहीं भी इनको कुछ नहीं करना है, ये सारे फंदे सीधे जाएंगे। अब यहाँ पे पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार और ये पाँच, पाँच फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। बैक सिलाई में हर बार आपका यही होगा, पाँच फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे, ये कहीं भी चेंज नहीं होगा, सेम इसी तरह से पूरा जाएगा। और ये दो फंदे सीधे बनाएंगे हम, और ये दो फंदे सीधे इसी तरह मैं बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड इस तरह बन के आ रहा है हमारा ये डिज़ाइन। देखिए अब इस यही आपको देखिए, अगर आप इसको दो कलर में भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप दो कलर में बनाना चाहते हैं, यहाँ से जैसे हमने ये दूसरा डिज़ाइन शुरू करा, यहाँ से दूसरा कलर लगा के आप इसी डिज़ाइन को शुरू कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। अगर बच्चों के स्वेटर में डाल रहे हैं तो दो कलर में भी डाल सकते हैं इसे, लेडीज़ कार्डिगन जेंट्स स्वेटर किसी प्रोजेक्ट में डालिए, सब में बन के बहुत अच्छा लगता है। अब आपको यही सेम रिपीट दोबारा करना है, अब मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको कैसे करना है, वही आपको यही पूरे उसमें। अब देखिए दो फंदे तो ये हर बार हमारे ये अष्टा हैं तो अष्टा ही रहेंगे। अब यहाँ पे जाली डाल देंगे हम, एक फंदा उल्टा बना देंगे जाली डालते हुए, अब ये तीन फंदों का एक कर देंगे, ये तीन फंदों के दोनों साइड हम एक फंदा इस साइड मैंने उल्टा बना दिया, एक ही हो गया, एक ये फंदा भी उल्टा बना दूंगी। ये ध्यान रखना है आपको, इसके जहाँ पर हम तीन का एक करें उसके दोनों साइड एक एक फंदा उल्टा आना चाहिए। और यहाँ पर जाली डालते हुए दो फंदे उल्टे बना देंगे हम, जहाँ पर दो फंदे उल्टे बना रहे इसके दोनों साइड जाली आ रही हमारी, ये देखिए इसके दोनों साइड हमारी जाली आ रही, इस साइड भी इस साइड भी, जो घटा रहे हैं हम यहाँ तीन का एक कर रहे हैं वही यहाँ पे बढ़ रहा है हमारा फंदा। फिर ये देखिए एक फंदा उल्टा आ जाएगा, सॉरी फ्रेंड ये तीन का एक हो जाएगा, तीन का एक हो गया, एक उल्टा बना दिया मैंने, तीन का एक हो गया, एक उल्टा, फिर से फिर जाली डालेंगे और दो फंदे उल्टे। सीधी साइड से हमारी है पूरी, उल्टे उल्टे ही बुने जाते हैं, ये दो उल्टे हो गए। अब ये जाली डालते हुए एक फंदा फिर से उल्टा बना देंगे और यहाँ पर फिर से हम तीन का एक कर देंगे, फिर ये एक उल्टा हो गया, फिर जाली डालेंगे दो फंदे उल्टे, फिर जाली डालेंगे एक फंदा उल्टा और फिर तीन फंदों का एक कर देंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, लास्ट में एक जाली डालते हुए दो फंदे उल्टे बना देंगे। इस तरह फ्रेंड्स मैंने इसमें दो बार आपको ऊपर भी डिज़ाइन ये वाला डाल के दिखा दिया है, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर डिज़ाइन है फ्रेंड्स, आप एक बार जरूर बना के देखना। अब आपको यही जैसे दो बार इसमें मैंने जाली डाल दी, इसी तरह आपको पांच बार जाली, पांच जाली आप इसी तरह गिन लेना, जैसे इसमें पांच जाली आ रखी, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच जाली
आने के बाद आपको फिर ये वाला डिजाइन शुरू करना है, 5 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और 4 सिलाई, आपको 2 सीधी 2 उल्टी ये वाली निकालनी है, फिर से आपका ये वाला डिजाइन शुरू हो जाएगा। यही डिजाइन आपको बार बार रिपीट करते जाना है फ्रेंड्स, आपका एक बहुत सुंदर डिजाइन बन के आएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। देखिए बैक से कुछ इस तरह दिखता है।